हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद है। इन ईवीएम मशीनों को खुलने में अब केवल कुछ ही घंटे शेष है। इससे पूर्व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि ईवीएम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी सिहाग आज अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर पत्रकारों के बीच पहुंचे और उनसे अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे पर क्या। कैसा रहा जी आपका चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा रहा और मैं आप के माध्यम से इलाहाबादी जनता यहाँ के वोटर हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने, हालांकि मेरी नई और न्यू एंट्री थी यहाँ और मुझे सिर्फ 15 दिन का मौका मिला, फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा समर्थन मुझे मिला। और जननायक जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर भी ज़बरदस्त समर्थन मिला है पार्टी को दुष्यंत जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया। हमारी 2 जनसभाएँ जो बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रही थी और सिर्फ यहीं के लोकल वर्कर की वजह से ही आए थे लोग, बाकी लोग बड़े बड़े लोग भी आए, प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पर आना पड़ा, दूसरी पार्टियों के बड़े नेता आए, लेकिन उनके लिए जो भीड़ जुटी वो सब तकरीबन बाहर की, राजस्थान पंजाब की और थी। जब मैंने जगह जगह घूमा, मैं गाँव में गया, शहर में गया, तो लोगों में एक चीज़ देखी मैंने, ये थी कि लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और शरीफ कोई कैंडिडेट आए तो अच्छी बात है, उसका मुझे फ़ायदा मिला है। चुनाव वाले दिन मैं जब घूमा, जगह जगह डिफरेंट बूथ्स पर गया, कहीं न कहीं जो कमी खल रही थी प्रशासन की, गाड़ियाँ मर्जियाँ वो हमें, हालांकि हमने अपनी गाड़ियों की परमिशन ली थी, वो गाड़ियाँ चल रही थी, बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स उनके रिश्तेदार कोई 10 गाड़ी लेकर घूम रहा था, कोई 5 गाड़ी लेकर घूम रहा था, कोई राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, कोई पंजाब की नंबर गाड़ी थी, बूथों के अंदर सरेआम आ जा रही थी, कोई उनको रोक नहीं रहा था। तो ये प्रशासन का यहाँ फेल्योर है। प्रशासन को चाहिए था जब आप नियम बना रहे हो तो उसको लागू भी करें, ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। हालांकि बूथ कैप्चरिंग टाइप की बातें अब वो नहीं होती, वो पुराने समय की बातें हैं, लेकिन जो वोटर लाइन में खड़े होते हैं या वोट डाल बार खड़े होते हैं सपोर्टर, वहाँ पर असर जरूर पड़ता है इस चीज़ का। कोई 10 गाड़ी लिए घूम रहा हो और उनके अंदर हो सकता है हथियार भी हो, तो इसका हमें डाउट है, तो वो अच्छा नहीं था। और इसमें तीनों जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस, बीजेपी और इन लोग, उनके समर्थक सभी कहीं के वो सभी शामिल थे। और चर्चा बड़ी ज़बरदस्त जोरों पर है कि भाजपा और इन लोग के लोगों ने काफ़ी वोटों खरीद फरोख्त की है, और चर्चा है जो है 3,000 रुपये लेकर 5,000 रुपये तक के वोट खरीदने की चर्चाएँ हैं। और काफ़ी लोग इसमें, जो लोग बिके हैं उनको भी मैं कहूँगा कि उनको डेमोक्रेसी, वो खुद अपनी हत्या कर रहे हैं। वोट जो है अपने बेटी के बराबर समान होता है, उस इज्जत करना हमारा फर्ज है। कुछ लोग बिके भी हैं तो उनसे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो खरीद रहे हैं वो डेमोक्रेसी के हत्यारे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा वोट ले जाएँ या जीत भी जाएँ, लेकिन ये कलंक है एक हमारे जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, उसके माथे में कलंक है। और इसको मैं नहीं कह रहा, सारे शहर के लोगों को पता है, आप मीडिया कर्मी, आपको पता है, आपने देखा हो खुद, बड़ी चर्चाएं इस टाइप का, इस तरह माहौल बना के वोट मसल में लेके भी लोग घूम रहे थे। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, अच्छी बात है, इसमें लोगों की समझदारी ज़्यादा रही। लेकिन जो इस तरह के जो पैसा का जो, और दारू जो जिस तरह बंटी की पिछले 2-3-4 दिनों में चुनाव से पहले, वो अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। उससे क्या होगा कि लोग जो चुनाव लड़ेंगे सोचेंगे बिना पैसा जीता नहीं जा सकता, उल्टे उल्टे कम से पैसे लोग कमाते हैं, फिर इसी लोगों में लगा देते हैं। तो ये लोगों का भी कसूर है इसमें, जो बिक रहे थे और जो कैंडिडेट खरीद रहे थे, वो लोग ये समझते हैं भाई तुम किसी तरह भी जीत लो, कोई भी तरीका अपनाओ। एक कहावत है कि जीता हुआ सिकंदर, इस टाइप के लोग सोचते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें हैं सारी। सिकंदर जब जीता था वो वक्त गया, नया जमाना है, हर कोई अपने आप के अंदर चाहता है कि प्यार मिले, इज्जत मिले, और हर अपने आप में बंदा सब इस तरह रखते नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कोई 5-7% जो चर्चाएं हम वोटर बिके हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सब इलेक्शन खत्म हो गए, अब हम आगे की बात करते हैं। अभी परसों एक सर्वे आया था, उस सर्वे के अंदर जो है वो जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही डाउन दिखाया जा रहा था, और कल एक सर्वे और आया है उसमें पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है।
तो ये जो सर्वे है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इसमें तो ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इससे अलग है। सर्वे कोई तो 75 पार की बात कर रहे थे, उनको 82 सीटें दिखा रहे हैं, कोई किसी पार्टी की दिखा रहे हैं, तो इस पर कैसे विश्वास करें हम, कौन सा सर्वे ठीक है कौन सा नहीं है। रियलिटी के अंदर जिस तरह JGP को रिस्पॉन्स मिला सारे स्टेट में, इवन यहाँ भी, और काफ़ी हलकों में, जिस तरह खुद दुष्यंत जी का चुनाव क्षेत्र है, या ऐसे कम करीब 25-30 हलके ऐसे हैं जहाँ पर पार्टी की पूरी संभावना है वो आगे जीतेगी, लेकिन सर्वे वाले किस बेस पर कह रहे हैं पता नहीं चल रहा। चुनाव के दौरान जो लोगों को रिसोर्स मिलता है, लोग किस तरह आपकी तरफ भाग भाग आते हैं, किस तरह आपको आत्मवाद लेते हैं, और कितना जोश वर्कर्स में या लोगों में होता है, वो दर्शाता है कि JGP जो थी बहुत सीटों पर आगे अब भी है, बढ़त बनाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब जहाँ तक बात आपको जिस तरह भाजपा की चर्चा हो रही है, तो कहीं किसी शहर में भी किसी इलाके में भी कहीं कोई उत्साह नहीं था वर्कर भाजपा के, वो खुद उनके जो कंधे लटके हुए थे और वो डाउन थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से कह रहे हैं हम इतने जीतेंगे। तो कुछ भी हो सकता है मशीनों के साथ भी कुछ। आजकल जब चांद पर हम पहुँच गए, 3.5 लाख किलोमीटर दूर है चांद, नीचे बैठे वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मशीनें तो है, तो टेक्निकली कंप्यूटर का सिस्टम है सारा। तो इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करता, ये लोग समझ गए होंगे कि कुछ भी हो सकता है, जिस तरह इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि आम जनता ने भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को नकारा है, जज्बा के साथ आए हैं। अब नतीजे कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कौन कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये तो कल सामने आ जाएगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं EVM के साथ चर्चाएं आती रहती हैं, कहीं कंट्रोल कहीं और से होता हो, ऐसा हो सकता है। आप अपने आप को चुनाव में कहां पाती हैं? देखिए, मैंने जैसा कहा, मैं सिर्फ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 2 दिन पहले यहां पर मुझे टिकट मेरी घोषणा हुई थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी ने जो भी मुझे आदेश दिए दुष्यंत जी ने, मेरा गाँव क्षेत्र में पड़ता है, मेरे साथ यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिला, और हर गांव में कस्बे में हम अपनी बढ़िया ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हमने। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने शराफत से नियमों के अनुसार चुनाव लड़ा है, हमने कहीं कोई माल प्रैक्टिस नहीं की, गाड़ियों जितनी परमिशन थी उससे परमिट गाड़ियाँ चलाई, कहीं कोई अवैध कोई दारू की बात थी कि पैसे की बात थी, इस तरह किसी हरकत में इस तरह की जो अवैध चीज़ें हैं उनमें कहीं संलिप्त नहीं रहे। और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने भीतर हमें ज़्यादा वोट दिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग तीनों से तंग थे और लोग सच्चाई के साथ, ठीक आदमी के साथ, ठीक पार्टी के साथ, दूसरी नीतियों के साथ हमारे साथ आए। मुझे पूरा भरोसा है कि रिजल्ट जो आएगा उसमें अच्छे वोट हमें प्राप्त होंगे। रिजल्ट कुछ भी आए, जीत हार कुछ भी हो, आने वाले जो समय होगा उसमें आपका जो है वो क्या स्टैंड है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, गाँव मेरा कुमारिया पड़ता है इसी हल्के में, नौकरी की वजह से ज़्यादा नहीं आ पाता था पहले, अब मैं बिल्कुल लोगों की सेवा के लिए फ्री हूँ और मैं जनता के साथ। मुझे बड़ा जो सबसे बड़ी बात यह कि मुझे इतना प्यार मिला है लोगों का, मैं मतलब कुछ इसमें ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में रहूँगा, उनके सुख दुख का साथी बनूँगा, और कोशिश ये होगी कहीं कोई तकलीफ होगी जनता को, यहाँ कोई ऐसे मुद्दे होंगे, उनको बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लूँगा, उठाएँगे। और ये चाहूँगा कि जनता को रिलीफ मिले, कहीं धरना प्रदर्शन किसी बात को लेकर होता है, कोई अन्याय हो रहा हो, उसमें उनके साथ बराबर का भागीदार बनूंगा और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जनता के बीच में रहूं, जनता भी हमें आगे अच्छी तरह से, जो इस तरह के लोगों को हो सकता है वो ज़्यादा बीच में रहे हों तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन मैं निजी स्वार्थ छोड़ के सारे और सिर्फ सेवा के लिए उनके बीच में रहूँगा, और मुझे भरोसा के लोग आगे हमारे और ज़्यादा साथ आएंगे। सर, अगर बात करें तो एक सर्वे जो दोबारा से री एग्जिट पोल आया था उसमें ये बताया गया है कि सत्ता की चाबी जो है वो JJP के हाथ में है। अगर आने वाले समय में ऐसा हो जाता है, अगर सत्ता की चाबी JJP के हाथ में होगी, आप एर्नाबाद से प्रतिनिधित्व करते हैं जननायक जनता पार्टी का, तो आपका रुझान क्या रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ दया दया या कांग्रेस के साथ दया? ये बातें अभी इमेच्योर बातें हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, नेतृत्व ने फैसला करना है क्या करना है कैसा करना है, और इस बारे में नेतृत्व जो है हमारा दुष्यंत जी हैं, पार्टी के प्रधान हैं हमारी निशान सिंह जी, या जो ऊपर की लीडरशिप है वो बता सकती है। हमारी सिस्टम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पार्टी को आएँ और पार्टी मजबूत बने, और हम खुद सत्ता के दावेदार हैं, ऐसी उम्मीद है कि सीटें अच्छी आएंगी हमारी। श्याम साहब, एक बात बताइए, आप इनेलो में भी रहे,
अच्छे पदों पर भी रही इनेलो में, और आपने इनेलो का समय भी देखा और अब आप जजपा में हैं, तो इन दोनों पार्टियों में बेसिक आप फर्क क्या समझ? नहीं, मैं इनेलो जब बनी थी मैं सर्विस में था, उससे पहले जब जनता पार्टी थी, लोकदल था, 90 से पहले बिल्कुल इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनसे छात्र इकाई थी उसका अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं जैसा मैंने बताया था पहले भी आपको छात्र राजनीति में सारी उससे फर्क देख रही हैं। नहीं, अब जो ये बनी है, नो डाउट कि जब बनने के बाद फाउंडर मेम्बर हूँ मैं, जब अलग हुए और JJP बनी है, फर्क साफ है। हम वहाँ पर चश्मा झंडा डंडा इन लोग को का छोड़ के अब नई पार्टी बनाई अपनी, और आप खुद देख रहे हैं कि जो मूल पार्टी थी वो सिमटते सिर्फ अहलाबाद में उनका सारा परिवार घूमता रहा यहाँ, और जनता की जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर बड़े अच्छे तरीके चुनाव लड़ा है, जबरदस्त तरीके से अपने उससे दर्ज कराई 11 महीने का, हालांकि जन्म 11 महीने पहले पार्टी बनी थी, और हमें उम्मीद है कि जनता ने बड़े अच्छे तरीके से हमें स्वीकारा है और सत्ता के बिल्कुल नज़दीक हैं, और जो जिसकी बात इन लोगों की बात कर रहे हो वो ख़त्म हो गई पार्टी। किन कारणों से खत्म हो गई यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसी कोई बात है? कारण वो उनकी लीडरशिप जो जैसी रही है, जो जिसके हाथ में चौटाला साहब जब तक थे, कब जेल जाने से पहले चौटा देवलाल थे, अजय सिंह जी थे, पार्टी संभालते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से जो कैंडिडेट यहाँ पर इलाहाबाद में विपक्ष नेता रहे हैं उनके हाथ में से कमांड आई, और उनके साथ 4-5 और लोग होते थे छोड़ छोड़ के उनको धोखा दे के, जो मिसगाइड करते थे कुछ कह लो आप, वो सब चले गए, और इनकी जो कार्यप्रणाली थी उसकी वजह से पार्टी टूटी। और टूटी क्या, एक एक करके सब छोड़ गए, और अकेले जो कैंडिडेट यहाँ रहे हैं विपक्ष नेता रहे हैं जो, वो अकेले बच गए, और उन्होंने अपना सारा दाम श्याम दाम दंड भेद जैसा इस चुनाव में वो कर सकते थे वो किया है, तो उसकी उनकी कर्तृत्व की वजह से ही और उनका जो आचरण था उसकी वजह से पार्टी टूटी थी, और पार्टी ये आसियम चली गई, और इसी पार्टी से निकली हुई जनता जनता पार्टी दुष्यंत जी के नेतृत्व में, अजय सिंह जी के नेतृत्व में आज हरियाणा के टॉप उसमें है और बड़ी अच्छी पोजीशन में है और सरकार बनाने पोजीशन में है। सर, आपको क्या फ्यूचर लगता है इनेलो का? इन लोग तो बताई थी मैंने खत्म ही होगी, तो ये सारा समय जो थोड़े बच्चे हैं वो लोग वो सारे साथ दुष्यंत जी के साथ आएंगे, हमारी पार्टी में आएंगे लोग, फिनिश हो तो। सर, इसमें जैसे कि दिख रहा है प्रदेश में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सारे में कि JJP की भागीदारी रहेगी सरकार में, अगर वो भागीदारी रहती है तो इलाहाबाद के लिए आप क्या विशेष चीजें करने वाले हैं? देखिए, अगर जनता ने वोट डाल दिया, मैंडेट आ गया है, कल चुनाव में आ जाएगा कौन किसके सिर पर सेहरा बनता है, ये जनता ने डिसाइड कर लिया, EVM में बंद है कल आ जाएगा। मैं फिर भी सत्ता में आए ना आए, विधायक बनूँ ना बनूँ, मैं लोगों के सुख में दुख में और यहाँ पर जो उनकी कोई दिक्कतें आएगी उसमें साथ खड़ा मिलूंगा। विकास को लेकर, क्योंकि अगर भागीदारी बनती है तो फिर विकास नहीं, मैं थोड़ा बता दूँ आपको, अगर आपके वर्कर आपका नेता मजबूत हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो कौन सी चीज़ कैसी होती हैं, तो चाहे आप सत्ता में हो चाहे ना हो, आप प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं बहुत काम करने के लिए, और हम सत्ता में आते हैं तो इसकी प्लानिंग पहले बनाए रखी, आपको बताया है सारा, यहाँ पर मूल भूत जो है परिवर्तन होंगे, सबसे पहले बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, बेरोजगार कैसे मिले, नशे वाला मामला है ख़त्म कैसे हो, और यहाँ पर जो टेल पर पानी पहुँचने की बात है, कॉलेज की बात है इलाहाबाद में लड़कियों के लड़कों के सरकारी, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पीने के पानी की बात है, नहरी पानी की बात है, और जो कनेक्शन नहीं मिले पीछे ट्यूबवेल के जो डार्क जोन घोषित करने की बात, वो ठीक करने की बात है, बिजली 24 घंटे रहे वो बात है, बहुत मुद्दे हैं युवाओं की, स्टूडेंट्स की, महिलाओं की सुरक्षा की, सारे मुद्दे हैं, उन पर बिल्कुल हम काम करेंगे, और आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट टाइप की पार्टी जो है या जो या नेतृत्व अब है और एक अलग आपको चेंज दिखाई देगा। इलाहाबाद से कैमरामैन अनिल के साथ सुभाष चौहान, चैनल D।